नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के वन मंत्री सरताज सिंह जी। ये बताएं सरताज जी कि आपको जब ये महकमा मिला, या कांग्रेस शासन की बात कर ले हम, वन्य प्राणियों को लेकर हमेशा एक बात उठती रही है, खासतौर पर बाघों की कम संख्या को लेकर। मध्य प्रदेश शुरू में टाइगर स्टेट कहा जाता था और उसकी वजह थी कि यहाँ 900 से ज्यादा और 1500 की संख्या तक टाइगर्स हुआ करते थे। धीरे धीरे ये संख्या कम होती गई और उनकी जो संख्या है वो घटकर कहा जाए कि 257 तक पहुँच गई। वर्तमान में क्या स्थिति आपको नजर आती है? जो संख्या कम होने का क्रम है ये तो पूरे देश में हर प्रदेश में चला। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले जो संख्या थी वो संख्या तो नहीं है, लेकिन अभी लगभग एक स्टेबल है सभी प्रांतों में, मध्य प्रदेश में भी है। तो आज हमारी संख्या जो पिछली गणना में आई थी वो आई थी 257, लेकिन पिछली गणना के बाद जो मैनेजमेंट है पार्क का, जिसके कारण संख्या बढ़ती है, उसमें जो ऑल इंडिया सर्वे हुआ था, जितने भी पार्क का हुआ था, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्थान मध्य प्रदेश के पार्क को दिया गया वेल मैनेजमेंट के लिए, और उसके कारण हम उम्मीद करते हैं कि हमारी संख्या बढ़ेगी। गुजरात के संदर्भ में भी बात उठती है, वहाँ भी आप ही की पार्टी की सरकार है, परंतु जब भी आप शेर मांगने की बात करते हैं उनसे लायंस की, तो वो लोग मना कर देते हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फैसला आ चुका है। हमारी पार्टी की सरकार है इससे कोई संबंध नहीं। गुजरात ये मानता है कि लायन हमारी पहचान है और उस पहचान को शेयर नहीं करना चाहता। हमने ये तर्क दिया कि एक ही प्रजाति को, दुर्लभ प्रजाति है, उसको एक ही स्थान पर रखना उचित नहीं है। कल कोई घटना हो सकती है, बीमारी फैल सकती है, तो वो दुर्लभ प्रजाति हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है। इसलिए बेहतर है उस प्रजाति के संरक्षण के दृष्टि को रखते हुए तो उसको दो स्थानों पर रखा जाए, और इसके लिए हमने पालपुर कोनों को तैयार किया, वहाँ से गाँव को निकाला, वहाँ जो बाड़े बनाना था वो बनाया, जो प्रे की व्यवस्था करना था वो की, और फिर क्योंकि गुजरात सरकार ने मना कर दिया इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पक्ष में फैसला दिया। अब गुजरात ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, उसका फैसला होना बाकी है और वो फैसला भी मध्य प्रदेश के पक्ष में होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहला फैसला मध्य प्रदेश के पक्ष में हो चुका है। तो उसके बाद लॉयस आएंगे मध्य प्रदेश में, मतलब लगता है कि सरताज सिंह जी सिंह ले आएंगे। देखिए, प्रयास भी है और जो अभी तक फैसले हुए हैं वो हमारे पक्ष में हैं, जो हमारे तर्क थे उनको स्वीकार किया गया है, तो इसलिए पूरी उम्मीद है। क्यों गुजरात अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं साहब, शेर हम नहीं ले जाने देंगे यहाँ से? मैंने पहले ही बताया कि गुजरात ये मानता है कि लायन हमारी पहचान है, एकमात्र गुजरात है जहाँ पर ये एशियन लायन हैं, और वो इसको शेयर नहीं करना चाहता। कम होते जा रहे हैं जंगल, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और क्या उस पर पूरी तरह रोक लग पाई है? इसका प्रयास किया गया है, जो बिड़ले वन हैं उनको सघन वन के रूप में परिवर्तित करने के लिए कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, कार्य योजनाओं पर अमल किया गया है, और जो हमारा वन क्षेत्र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 2-3 साल में उसका सर्वे करती है, तो हमारा एरिया कम नहीं हुआ, जबकि जंगल पे दबाव बहुत अधिक रहता है, जल और लकड़ी के हिसाब से, इमारती के हिसाब से, जानवर चरने चले जाते हैं उनके हिसाब से जंगल का नुकसान होता है। जंगल पर काफ़ी दबाव होने के बाद भी हमने एक स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है और हमारा जो वन क्षेत्र है वो कम नहीं हुआ है, और हमारा प्रयास ये है कि जो सघन वन के रूप में परिवर्तित करने का है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए कुछ योजनाएं भी हैं, एक तो हम बिरले वन को सघन वन बनाने के लिए शासकीय योजना के अंतर्गत भी काम करते हैं, और दूसरा इस दृष्टि से हमने वन लक्ष्मी योजना बनाई है। वन क्षेत्र में जो रहने वाले आदिवासी हैं, जो वन समितियों के सदस्य हैं, उनको हमने वन की खाली जमीन पर प्लांटेशन करने की अनुमति दी है। जमीन जंगल की रहेगी लेकिन उस प्लांटेशन का जो लाभ है वो उस हितग्राही को मिलेगा, 80-20 के रेशो में, 80% हितग्राही को और 20% उस वन समिति को, और बाकायदा इसका उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अगर हमने ये क्षेत्र दिया और 500 पौधे दिए उसका एक प्रमाण पत्र भी उसको मिलेगा। इस योजना के प्रति आदिवासियों में काफ़ी उत्साह है, लगभग 1 लाख लोग इस योजना से जुड़ गए हैं। कौन कौन से एरिया हैं जहाँ ये योजना चल रही है? पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन भी है जो इस दिशा में निरंतर काम करता है, आदिवासियों को जोड़ने की बात करता है, परंतु मूल समस्या ये है कि आदिवासी जब वन से विस्थापित होते हैं तो
तो वो नक्सली बनते हैं या आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, उनको वन में ही रोककर उनको आजीविका उपलब्ध कराने की दिशा में कुछ नई चीज़ें की हैं क्या सरकार ने? जी हाँ, आजीविका उपलब्ध कराने की दिशा में हमने प्रयास किए। पहला हमने टसर को लिया, जो वाइल्ड टसर है, इसको जो कोकुन पालना है, ये साज, कौआ, लेंडिया, इन तीन प्रकार के वृक्षों के पत्ते पर ये होता है। पहले जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है वो जो कोकुन पालने का काम करता है उसको वन क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा सा शाक कर्तन करते हैं ताकि नए पत्ते आ जाएं, और उसके लिए उनको परमिट नहीं किया जाता था। मैंने उसकी अनुमति दी, उसका परिणाम ये आया कि मध्य प्रदेश में जहाँ वाइल्ड कोकुन 50 लाख होता था, आज हम 9 करोड़ से एक्सीड कर गए उस संख्या को। इसमें लगभग 30,000 लोग इस काम में लगे हैं, तो उनकी बेरोजगारी भी दूर हुई है, उनकी आय भी बढ़ी है, उनकी महिलाओं को काम मिला है। ऐसे ही हमने लाख के उत्पादन को दुगना कर दिया, तो उससे भी लोगों को रोजगार मिला है। और दूसरा हमने जो बड़ा कदम उठाया है, पहली बार ये हुआ है कि जो लघु वन उपज है, इसमें महुआ, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, इस तरह की चीज़ें आती हैं, इनका हमने समर्थन मूल्य तय कर दिया है। समर्थन मूल्य तय करके हमने आदिवासी को शोषण से बचाया है। इससे पहले आदिवासी का महुआ 4-5 रुपये किलो बिक जाता था, हमने उसका समर्थन मूल्य 14 रुपये कर दिया। परिणाम यह है कि आज वो महुआ 20 रुपये किलो बिक रहा है। लाभ आदिवासी को हुआ। चिरौंजी की गुठली, इससे पहले 25-30 रुपये किलो बिकती थी, हमने उसका समर्थन मूल्य 80 रुपये कर दिया। नतीजा ये आज 120 रुपये में बिक रही है। इस तरह हमने आदिवासी को शोषण से बचाया। बात ये भी उठती है कि जो मूल आदिवासी है वो उसका जो वनों पर अधिकार है वो उससे छीनता चला जा रहा है। जो बाहरी लोग हैं वो ऐसे इलाकों में अतिक्रमण कर रहे हैं या आदिवासियों की जमीनें खरीद रहे हैं और वहाँ रिजॉर्ट्स बनाना या इस तरीके की गतिविधियाँ करना जो उनके व्यावसायिक हितों से जुड़ी हुई है, उससे आम आदिवासी और वनों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। वैसे तो आदिवासी की ज़मीन खरीदने पर प्रतिबंध है, और ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि उसका संरक्षण हो सके, लेकिन कुछ लोगों ने बीच का रास्ता निकाला कि उसको ज़मीन को लीज पर लेने लगे या उस आदिवासी को भी उस काम में पार्टनर बनाने लगे। अब बहुत से रिसॉर्ट ऐसे हैं बड़े बड़े जो आदिवासी के नाम पर हैं, और हालांकि उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक ये कानूनी रास्ता निकाला है और इसमें वन विभाग का योगदान नहीं रहता। इसकी अनुमति देने का काम हमारा नहीं है, इसकी अनुमति राजस्व वाले देते हैं, तो उसके कारण ये स्थिति बनी है। यहाँ एक बात और भी उठ रही है कि जैसे अपन सतपुड़ा की बात कर लें तो पचमढ़ी कहा जाए सतपुड़ा की रानी के रूप में जानी जाती है, और वहाँ जो पर्यटन था, वहाँ जितने वन थे उनमें कमी इसलिए आई कि ये जो बाहर का जो कंक्रीट के जंगल हैं वो वहाँ तेजी से पसर रहे हैं, तो उनके रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं क्या? देखिए, पचमढ़ी नेशनल पार्क का हिस्सा है और पचमढ़ी में भी किसी तरह का निर्माण करना प्रतिबंधित है। केवल आपको मकान को ठीक करने की अनुमति दी जा सकती है, और वो अनुमति देने का काम भी वहाँ का बोर्ड करता है जो इलेक्टेड होता है, उसमें भी वन विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर पचमढ़ी कंक्रीट का जंगल बना है तो उसके लिए वन विभाग दोषी नहीं है, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और उस रेनोवेशन करने के आड़ में लोगों ने काफ़ी विस्तार कर दिया अपने कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से पचमढ़ी की स्थिति बनी है। अगर हम बात करें वन महकमे की, तो यहाँ जो अधिकारी हैं, बीच बीच में अभी कुछ आपने भी देखी होंगी शिकायतें आई कि कुछ अधिकारी ये कह रहे थे साहब मुझे काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिली, या जिसको कहें कि मेरे मन में बहुत मलाल थे, जैसे एक रस्तोगी जी करके हैं रिटायर्ड, उन्होंने आरोप लगाए तो आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, क्या ये पूरे मसले हैं और क्यों इस तरीके की बात? काम करने वाले को कोई नहीं टोक रहा, नहीं करने वाले बहाने बनाते हैं, ताकि पूरी स्वतंत्रता है जो काम करना चाहता है। हमारे कई डीएफओज ने, कई अधिकारियों ने बहुत अच्छे काम किए और उनको संरक्षण मिलता है। अब उदाहरण के लिए रायसेन जिला अवैध कटाई का अड्डा था, सिलवानी तो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था, लेकिन हमने एक डीएफओ को भेजा, उन्होंने बड़ी सख्ती से कार्रवाई की, वहाँ के बड़े बड़े माफिया उनको ठिकाने लगा दिया, पूरा संरक्षण उस अधिकारी को मिला है। तो अच्छे काम करने के लिए तो हमारा संरक्षण मिलता है, कहीं रुकावट नहीं है। अगर कोई ये कहे
कि हमको काम करने नहीं दिया जाता, ये सरासर गलत है। अभी IFS एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने, खासतौर पर अध्यक्ष ने कहा, साहब मैं अपने ही ट्रांसफर नहीं रुकवा पाया या मैं अपनी पसंद की पदस्थापना नहीं पा पाया, इसलिए मैं ये पद छोड़ रहा हूँ, ये बात भी सामने आई। देखिए, वो अरुण कुमार जी हैं, हमारे CCF हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, स्वयं की इच्छा से वो भोपाल आए, कहने लगे हमारे बच्चे की पढ़ाई की समस्या है। हमने उनको भोपाल एडजस्ट किया, हमने उनका पक्ष लिया, विरोध नहीं किया, लेकिन उनको जो विभाग मिला था ग्रामीण उसमें पंचायत, वहाँ उनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने हमसे आप कहा कि भाई हमको कोई दूसरा विभाग दे दिया जाए, तो वो भी हमने कर दिया, इसकी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, हमको काम करने का मौका नहीं मिल रहा। ये जो विवाद खड़े हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर कुछ लोगों के या व्यक्तिगत ही तक सीमित है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तक सीमित है? नहीं, कोई विवाद नहीं है, सबके साथ न्याय करने का प्रयास किया जाता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश पिछड़ा रहा है, इको पर्यटन को बढ़ाने के लिए दिशा में कुछ आपने योजनाएं चलाई, वो योजनाएं कितनी सफल हुई हैं, और खासतौर पर ऐसे इलाके जहाँ पहले वन क्षेत्र कम था, अब उनको आपने पर्यटन की दृष्टि से अगर विकसित कर दिया, तो वो क्या इलाके हैं और उनसे क्या आपको फायदा मिल पाया है? देखिए, इको टूरिज्म बढ़ाने का स्कोप तो बहुत है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो हमारे कानून हैं उसमें खुले हाथ से काम करने की स्वतंत्रता हमको नहीं मिलती। हर काम में FCA लागू होता है। अब कोई ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है, वहाँ हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, लोगों को वो सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी कि वो रुक सकें, रह सकें। अब उसमें प्रतिबंध है, हम कोई पक्का कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते, हम अधिक से अधिक टेंट लगा सकते हैं, टेंट से लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, इसलिए इको टूरिज्म का विस्तार का स्कोप बहुत है, लेकिन हमारे कानूनों के कारण जितनी तेजी से वो काम आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा। केंद्र इसमें कितनी मदद कर पा रहा है आपकी? जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये केंद्र सरकार का है, और उसी के माध्यम से ये तमाम प्रतिबंध हम पे लगते हैं। अगर हमको कुछ रिलैक्सेशन मिले तो हम इको टूरिज्म को बहुत आगे ले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमको केंद्र से ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला कि ठीक है हम इस एरिया को डीनोटिफाई कर देते हैं, यहाँ टूरिज्म का स्कोप है, और अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बात सही है कि दुनिया में सबसे अधिक रोजगार देने वाली अगर कोई व्यवस्था है तो वो टूरिज्म है, खुशहाली आएगी लोगों में, लेकिन अभी ऐसा कोई रुख उनका बना नहीं केंद्र सरकार का, हम लोग आवेदन करते रहते हैं। वैसे किन किन इलाकों में आपने नाइट सफारी के लिए प्रपोज किया है उनको? स्थान बहुत हैं, पर पहली बात तो ये है कि उसकी अनुमति मिले तब, और डी नोटिफाई करने के लिए प्रस्तावित किया, अनुमति नहीं मिली। चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं, नवंबर में चुनाव होना है, आपको क्या लगता है, क्या जनता आपके पक्ष में है, या कांग्रेस जिस तरीके से सड़कों पर उतर रही है, विधानसभा में कांग्रेसी सदस्य बिल्कुल आक्रामक हैं, कहीं आपकी स्थिति कमजोर होती तो नजर नहीं आती? जनता को काम चाहिए, जनता को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, और काम के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। हम तुलना कर सकते हैं, चाहे बिजली की 2003 को हम एक बेस मान लें, 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, हम 2003 में क्या थे और आज 2013 में क्या हैं, अगर 10 साल के कामों की हम तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इतने अधिक काम किए जो आज तक कभी नहीं हुए, चाहे बिजली के उत्पादन की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय दिलाने के लिए योजनाएं हो, इन सब कामों में हम बहुत आगे, कई गुना। जहां बिजली 2500 मेगावाट पैदा होती थी, आज 13,000 हो रही है, जहाँ सिंचाई 7 लाख हेक्टेयर में थी, आज 25 लाख में। पर उस हिसाब से आबादी बढ़ गई, लोगों की जरूरतें भी बढ़ गई, लेकिन काम तो हुए, जरूरतें तो 2003 में भी थी। अब 2003 में आपने इतने साल तक 50 साल की आज़ादी में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की, हमने उसको बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा दिया इन 10 सालों में। 50 साल में आप 7 लाख और 10 सालों में 25 लाख, ये सब अंतर दिखाई दे रहा है। ये स्थिति सड़कों की है, ये स्थिति बिजली की है। चुनाव में क्या आपका एजेंडा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप जाने वाले हैं जनता के बीच? हमारा एक ही एजेंडा है, विकास। विकास पर कांग्रेस का अविश्वास क्यों है? देखिए, बाहर तो बात करना पड़ेगा, विरोध तो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने जैसा कहा कि जब व्यक्तिगत मिलते हैं तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं, काम हुए हैं और उसी का लाभ मिलेगा, इसलिए 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। राघव जी का जो मसला हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? घटना के कुछ प्रमाण सामने आए और उसके आधार पर कार्रवाई की गई। अब बाकी जो अन्य काम है वो कोर्ट ने करना है,
और जहाँ तक सीडी की अथेंटिसिटी का सवाल है, इसके लिए जांच होगी, अब ये प्रक्रिया चलेगी। पर बीजेपी ने एकदम पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार घटना हुई तो कानून सबके लिए बराबर है, बीजेपी ने ये सिद्ध कर दिया, और अब न्याय प्रक्रिया में जो कुछ फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा। कांग्रेस इस पूरे इशू को बड़े चटखारे लेकर और जनता के बीच ले जाने के मूड में है। अब कांग्रेस को किसी प्रकार से भी ले जाए, लेकिन भाजपा ने सबको कानून के सामने सबको बराबर मानकर जो कार्रवाई की है वो की है। पर ऐसी शिकायत उनकी पहले भी आई थी 2.5 साल पहले, तब पार्टी ने बहुत ज्यादा इसको संज्ञान में नहीं लिया। ऐसी कोई सीडी उस समय आई हो मुझे जानकारी नहीं है। पार्टी की तरफ हम लौटते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य की अगर हम बात कर लें, चूंकि आपका कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा है, कहा जाए कि अभी तो फिलहाल उनको प्रोजेक्ट करने की बात हो रही कि वो पीएमएन वेटिंग बीजेपी के रहेंगे, कितने सफल हो पाएंगे? देश की जनता परिवर्तन चाहती है, देश की जनता एक मजबूत नेतृत्व चाहती है। देश में जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, आतंकवाद की घटनाएं, हमारे पड़ोसी देशों की जाति की घटनाएं, भ्रष्टाचार, इसलिए एक मजबूत नेतृत्व जो मोदी में दिखाई दे रहा है लोगों को, और यही कारण है कि मोदी जी का ग्राफ एकदम ऊंचा हुआ है। ग्राफ हमने ऊंचा नहीं किया, बहुत से सर्वे मीडिया के माध्यम से, आज तक के माध्यम से, अन्य एजेंसी के माध्यम से होते रहते हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो स्वीकार करते हैं कि आज पूरे देश में अगर कोई सबसे पॉपुलर व्यक्ति है या जिस पर जनता का अधिक विश्वास है वो है नरेंद्र मोदी। और जब उनने वहाँ गुजरात में भी काम करके दिखाया है और उनके बारे में जो धारणा बनती काम के आधार पर बनती है, तो देश के लिए भी वो बहुत अच्छे रहेंगे, सफल प्रधानमंत्री रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो निरंतर उनको निशाने पर लेते हैं, उनका कहना है कि उनका कद नहीं है इस लायक मोदी जी। अब दिग्विजय सिंह जी तो सबको निशाने पर लेते रहते हैं और उनकी बात को कोई बहुत गंभीरता से लिया नहीं जाता। नहीं, पर कांग्रेस में ये निरंतर कहा जा रहा है कि साहब मोदी और राहुल की तुलना नहीं हो सकती। मैं भी कह रहा हूँ मोदी और राहुल की कोई तुलना नहीं है, आप दोनों को स्क्रीन पे आधे आधे में खड़ा कर लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा, मोदी बहुत ऊपर दिखाई देंगे। केंद्र स्तर की जो योजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में आ रही हैं, खूब जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ बार बार कह के जा रहे हैं कि साहब जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे ही भरोसे पर हो रहा है, सारा कुछ उन्हीं पर निर्भर है मध्य प्रदेश सरकार, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, केंद्र सरकार की कमियां तो जो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है या बहुत ही ढुलमुल नीति है, आज भी लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं, आज भी लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, हमें अभी तक तय नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है या प्रधानमंत्री सोनिया गांधी है, इतना कमजोर नेतृत्व है वो तो लोगों के सामने है, और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं ये भी लोगों के सामने है, तो इसलिए केंद्र सरकार में परिवर्तन चाहते हैं लोग इसी कारण से। और जहां तक मध्य प्रदेश को केंद्र की सहायता का प्रश्न है, उसके लिए तो बिल्कुल नियम बने हुए हैं, आखिर इनकम टैक्स इकट्ठा करते हैं हमसे मध्य प्रदेश से, तो उसका कुछ शेयर हमको मिलता है, उसके आधार पर जो राशि केंद्र में जाती है वो वापस प्रदेश में आती है, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं आती, देश के हर प्रांत में आती है। इसलिए केंद्र अगर ये एहसान जाता है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, या कांग्रेस के नेता ये कहें कि आप केंद्र के पैसे पर आधारित हो, तो ये सरासर गलत है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है वैसे? महंगाई बड़ा मुद्दा है निश्चित रूप से, आम आदमी का जीवन दुभर होगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश बीजेपी की, आपको क्या लगता है यहाँ बहुत ज्यादा गुटबाजी है या नहीं है? ऐसी कोई गुटबाजी दिखाई नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक विशेषता है, और हम भी बार बार कहते हैं, सभी से कहते हैं कि देखिए पार्टी का टिकट मांगने का अधिकार सबका है, लेकिन उसके बाद ये एक निर्णय हो गया, एक व्यक्ति तय हो गया, तो उसके काम करने की जिम्मेदारी भी सबकी है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करते हैं। मैंने 6 चुनाव लड़े हैं, मुझे कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई शिकायत नहीं रही कि किसी ने काम नहीं किया या गुटबंदी दिखाई, ऐसी तो बात नहीं है। क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद, खासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात कर लें, बीजेपी के कई छोटे कार्यकर्ताओं में, छोटे नेताओं में एक घमंड जैसा आ गया, जिसकी परिणति ये है कि आम जनता में उनकी छवि खराब हो रही है। ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्यक्रम देती है अपने कार्यकर्ताओं को, तो वो जनता की सेवा करने के लिए देती है, इसलिए जनता से सतत संपर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बना रहता है। उदाहरण के लिए हम ये कहते हैं कि जितने भी हितग्राही जिनको जो लाभान्वित हुए हैं सरकार की योजनाओं से, उनसे आप संपर्क करें, उनका सम्मेलन करें, तो ऐसी कोई बात नहीं कि जनता से कट रहा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या उसमें बहुत घमंड आ गया है।
बल्कि जनता के प्रति समर्पित है और जो भी हमारे कार्यक्रम है वो जनता और भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने के कार्यक्रम है। पर कई जगह ये शिकायत सुनने को मिल रही है कि साहब भारी गुंडागर्दी करते हैं, छोटे स्तर के मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता रहते हैं या जो कार्यप्रणाली है उस कार्यकर्ता की कार्यप्रणाली का असर जो है वो आप लोगों पर भी आने वाला है। नहीं, ऐसी कोई शिकायतें नहीं है, बल्कि इस तरह की शिकायतें कांग्रेस के समय में अधिक थी। कांग्रेस के जो आंदोलन चल रहे हैं वो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वो आक्रामक होते जा रहे हैं, न केवल आक्रामक होते जा रहे हैं, आपके हर एक व्यक्ति को वो टारगेट पे ले रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है उनके लिए चुनाव में फायदेमंद रहेगी? देखिए, चुनाव है, हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी चुनाव को जीतने के लिए। तो कांग्रेस आक्रामक हो रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, विशेष बात नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जनता किस आधार पर फैसला करेगी। जनता इस आधार पर फैसला नहीं करेगी कांग्रेस आक्रामक हो गई, जनता इस आधार पर फैसला करेगी कि किसने हमारे कितने काम किए, किसने हमारी सुविधाओं को बढ़ाया, किसने विकास किया, इस आधार पर काम करेगी और उसमें भाजपा का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में ये लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाए, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई और बहुत आक्रामक ढंग से उन्होंने उसे प्रस्तुत किया। आपको क्या लगता है, क्या इस सब का असर चुनाव पे दिखने वाला है? ये अविश्वास प्रस्ताव लाना एक संसदीय प्रक्रिया का एक अंग है, लाते हैं, हर पार्टी लाती है, भाजपा भी लाती है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो मुख्य बात है, जो सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, पहली बात तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है, क्योंकि संगठन को जितना मजबूत करने के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, अन्य किसी पार्टी में नहीं होते। और दूसरी बात, विकास और उपलब्धियां हमारे साथ हैं, उनको कोई झुठला नहीं सकता, और जनता फैसला करेगी तो इसी आधार पर करेगी, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो इसी आधार पर जीतेगी। कुछ जो सर्वेज हुए तो उनमें यह भी आया कि कुछ विधायकों की छवि जो है वो बहुत खराब है, पार्टी ऐसे लोगों का या कुछ मंत्रियों का भारी संख्या में जिसको कहें कि टिकट काटने के लिए आतुर है। हर पार्टी में ये बातें होती हैं, हम हर बात का आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उस जनप्रतिनिधि ने किस प्रकार कार्य किया है, इन सब बातों का आकलन करने के बाद जहाँ संशोधन करने की आवश्यकता होती है वो की जाती है। ये कांग्रेस भी ये करेगी और भाजपा भी ये करेगी। मुख्यमंत्री जी की जो प्रस्तावित जन आशीर्वाद यात्रा है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से पॉपुलर कोई व्यक्ति नहीं है। हमने उनके कार्यक्रम देखे हैं, उनकी सभाएं देखी हैं, हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। तो ये थे सरताज सिंह जी। क्रॉस फायर में आज इतना ही, अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।